बर्दाश्त रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। मामूली बातों को अना का मसला बना लिया जाता है और अपनी झूठी अनाओं को तस्कीन पहुंचाने के लिए किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं किया जाता। बहन बेटी जायदाद में अपना हिस्सा मांग ले तो बाप भाई उसे मारने पर तुल जाते हैं। बच्चों के मामूली लड़ाई झगड़ों में बड़े कूद पड़ते हैं और अंजाम खून खराबे की सूरत में सामने आता है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि माशरे में मकालमे को परवान चढ़ाने वाले सहाफ़ी और एंकर भी ज़ाती रंजिशों को बातचीत के बजाय तशद्दुद से हल करना शुरू हो गए हैं। गवादर से आई ऐसी एक अफसोसनाक खबर पर आज सबसे पहले बात करेंगे। मैं हूँ सारा सिराज और आप देख रहे हैं अपडेट 360। ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ ने यूट्यूबर और सहाफ़ी सिद्दीक जान को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। न्यूज़ 360 के ज़राए के मुताबिक CPAC के फेज़ 2 की इफ्तिताही तकरीब के सिलसिले में अरशद शरीफ और सिद्दीक जान गवादर में मौजूद थे। वाक़िया इतवार की दोपहर गवादर के होटल के डाइनिंग हॉल में पेश आया। सीनियर एंकर पर्सन असदुल्ला खान के मुताबिक अरशद शरीफ हफ्ते को गवादर पहुंच चुके थे और वो तकरीब की खसूसी कवरेज के हवाले से काफ़ी पुरजोश थे। ताहम इतवार को सिद्दीक जान का गवादर पहुंचना उन्हें पसंद नहीं आया। अरशद शरीफ समझते थे कि सीनियर होने के बायस तकरीब की कवरेज सिर्फ उनका हक है। उन्हें सिद्दीक जान के साथ एक हॉल में खाना खाने पर भी एतराज़ था। ताहम होटल इंतजामिया के इसरार पर उन्हें हॉल में ही खाना खाना पड़ा। असदुल्ला खान के मुताबिक सिद्दीक जान आमिर मतीन और अदील वड़ाइश के साथ खाना खाने के बाद जूँ ही उठे तो साथ वाली टेबल पर मौजूद अरशद शरीफ ने अपनी टीम के साथ सिद्दीक जान पर हमला कर दिया और उन पर लातों और घूसों की बारिश कर दी। अरशद शरीफ ने सिद्दीक जान पर अपने अहले खाना को गालियाँ देने का इल्ज़ाम आयद किया। तशद्दुद के दौरान सिद्दीक जान का मोबाइल फ़ोन भी टूट गया। असदुल्ला खान के मुताबिक अरशद शरीफ और उनके साथियों ने सिद्दीक जान को साफी अली उस्मान अलवी की अहलिया की खुदकुशी के केस में मुलव्वस करने की कोशिश की थी। ताहम बाद में अली उस्मान अलवी ही बेकसूर साबित हुए थे। अरशद शरीफ और सिद्दीक जान के दरमियान इस मामले पर ट्विटर पर भी काफी बहस हुई थी। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबी का आलमी सतह पर एतराफ़। बरतानवी जरीद इकनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को बेहतरीन इकदामात के जरिए कोरोना से मामूलात ज़िंदगी की तरफ लौटने वाला तीसरा बेहतरीन मुल्क करार दे दिया। हांगकांग पहले और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर रहा। दी इकनॉमिक्स की रिपोर्ट में चीन को 19वें, अमरीका को 20वें, बरतानिया को 36वें जबकि भारत को 48वें नंबर पर रखा गया है। जबकि कोरोना वबा की ख़राब सूरत हाल के बायस मलेशिया को आखिरी नंबर पर रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्कों की दर्जाबंदी 8 मुख्तलिफ शोबों की बहाली की बुनियाद पर की गई है, जिसमें खेल के मैदानों में शायकीन की वापसी, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी, दफातर में अमले की हाजिरी, फ्लाइट ऑपरेशंस और सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली समेत दीगर शोबे शामिल हैं। कोरोना वबा पर काबू पाने पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर पज़ीराई बिलाशुबा वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कामयाबी है। अब आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो मामूलात ज़िंदगी की अदायगी के दौरान SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के मकबूल तरीन हम स्टाइल अवार्ड्स की शाम रही अदाकाराओं के नाम। स्टाइल अवार्ड्स में पहली बार नजर आया असल स्टाइल। तकरीब के रेड कारपेट पर शोबे सितारों ने भरपूर जलवे बिखेरे। एक से बढ़कर एक फैशन और स्टाइल ने अवार्ड शो को चार चांद लगा दिए। तहम अदाकारा अलीज़े शाह साथी अदाकाराओं पर बाजी ले गईं। सोशल मीडिया पर भी अलीज़े शाह ही छाई रहे और हैशटैग अलीज़े शाह ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। बेहतरीन स्टाइलिश फिल्म अदाकार का अवार्ड बिलाल अशरफ के हिस्से में आया। बेहतरीन स्टाइलिश फिल्म अदाकारा का अवार्ड माया अली के नाम रहा। टीवी के स्टाइलिश अदाकार इमाद इरफानी और स्टाइलिश अदाकारा नौशीन शाह करार पाईं। गुलोकार अली जफर, फैशन डिजाइनर हसन शहरयार यासीन और अदाकारा रेशम समेत दीगर फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस पर शुरुआत से खूब दाद समेटी। पेशावर में विरासत में हिस्सा मांगना खातून का जुर्म बन गया। शकील कल्ब भाइयों ने मकान में हिस्सा मांगने वाली बहन और वालदा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाकई के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वाकई के वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों भाई तैश के आलम में कमरे में दाखिल होते हैं और बहन को हथौड़ी और हेलमेट से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। इस दौरान बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ने वाली माँ को भी नाखल्फ बेटे
बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। कैपिटल सिटी पुलिस के मुताबिक मुलजिमान आफताब और अरशद ने दौरान तफ्तीश मकान में से हिस्सा मांगने पर बहन को तशद्दुद का निशाना बनाने का एतराफ कर लिया है। लाहौर धमाके में भारत के बतौर रियासत मुलव्वस होने के नाकाबिले तर्दीद शवाहिद सामने आ गए। दहशतगर्द हमले की मंसूबाबंदी और फंडिंग भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस निकली। पाकिस्तानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से भारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। आलमी इदारे के लिए अपनी गैर जानबदारी साबित करना इम्तहान बन गया। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर फवाद चौधरी और आई जी पंजाब इनाम गनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान के पास मुकम्मल सबूत हैं कि लाहौर धमाके के ताने बाने भारत से मिलते हैं। दहशतगर्दी के लिए रकम भारत ने तीसरे मुल्क के जरिए पाकिस्तान भेजी। हमले के मास्टर माइंड का ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से है। पाकिस्तान के पास उसके जाली नाम, असल शनाख्त और मौजूदगी के बारे में तमाम तर तफसीलात हैं। आईजी पंजाब इनाम गनी का कहना था कि धमाके का एक मुलजिम पीटर कराची का रहने वाला है और उसका टेलीफोनिक और व्हाट्सएप डेटा कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास मौजूद है। दूसरी जानिब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एफएटीएफ से भारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि भारतीय दहशतगर्दी के सारे सबूत आलमी फंड्स को पहुंचा दिए गए हैं और अब वक्त आ गया है कि दुनिया उसका नोटिस ले। अदाकारा बुशरा अंसारी ने गुलकार अजान समी खान के साथ डांस पर तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। सीनियर अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर जारी पैगाम में लिखा कि मैं 3 माह से शदीद सदमे की हालत में थी और ये गम आखिरी सांस तक मेरे दिल में रहेगा। ख़ुद को इस गम की कैफियत से निकालने के लिए 2 दिन कबल दोस्तों के बेहद इसरार पर ढोलकी की फैमिली तकरीब में शिरकत की। पहले पोती की शादी सुल्ताना सिद्दीकी के लिए ख़ास मौका था और इनकी खुशी में अपना हिस्सा डालने के लिए मैंने अपने बेटे अजान समी खान के साथ 2 मिनट डांस किया। सीनियर अदाकारा ने लिखा कि मुझे लोगों का रद्द अमल देख कर बहुत दुख हुआ। ये लोग हमें सिर्फ दुखी देखना चाहते हैं इसलिए कि हम मशहूर और एक ख़ास उम्र को पहुंच चुके हैं। ये किस कदर अफसोसनाक है। अदाकारा के मुताबिक ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने के लिए यही उम्र सबसे बेहतरीन होती है जब आप अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो चुके होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया और मुझे 60 साल से ज़ायदुल उम्र होने का कोई पछतावा नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि नौजवान बुज़ुर्गों से ख़ुद को क्यों गैर महफूज तसव्वुर करते हैं। अगर उम्र रसीदा होना कोई खामी है तो बराए मेहरबानी अपनी सोच को बदलें। वाज़ह रहे कि हम टीवी नेटवर्क की सरबराह सुल्ताना सिद्दीकी के पोते की ढोलकी की तकरीब में अदाकारा बुशरा अंसारी ने गुलकार अजान समी के साथ भारतीय गाने पर डांस किया था जिस पर सोशल मीडिया सार्फीन ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। मुल्क में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल में इरसा के पेशकर्दा आदादोशुमार ने ख़तरे की घंटी बजा दी। इरसा के मुताबिक मुल्क को सालाना तखमीने के मुकाबले में पानी की 15% कमी का सामना है। दरियाए सिंध में तरबेला के मुकाम पर पानी की कमी 20% तक पहुँच गई। सिंध को पानी की 17% जबकि पंजाब को 15% कमी का सामना है जबकि मुल्क के मुख्तलिफ दरियाओं से पानी के अखराज में भी 15% तक कमी देखने में आ रही है। सवाद में पीडीएम के जलसे में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की गैर हाजिरी ने कई सवालात खड़े कर दिए। न्यूज 360 ने जलसे में मरियम नवाज की अदम शिरकत की वजह मालूम कर ली। न्यूज 360 के जराए के मुताबिक मरियम नवाज जलसे में शिरकत करना चाहती थी मगर शहबाज शरीफ ने आखिरी मौके पर शर्त रख दी कि वो जलसे में इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगी जिस पर मरियम नवाज पीछे हट गई। ज़राए के मुताबिक जलसे से मियां बरादरान और मरियम नवाज़ के दरमियान तफसीली मुशावरत हुई। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने दलील दी कि अगर जलसों में इदारों पर खुलेआम तनकीद होगी तो मुस्तकबिल में बरसर इकदार आने के बाद मुस्लिम लीग नून के लिए मसाइल पैदा होंगे और ऐसे में इदारों के साथ काम कैसे करेंगे, जिस पर नवाज शरीफ ने खामोशी अख्तियार कर ली और मरियम नवाज़ भी इस दलील का जवाब ना दे सकी।
इस गुफ्तगू के बाद नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के जलसे में ना जाने का हतमी फैसला सुना दिया। सियासी इस्तेहकाम किसी भी मुल्क की तरक्की का जामिन हुआ करता है। दाखली इंतशार और तनाव का फ़ायदा हमेशा बैरूनी क़ुव्वतें उठाती हैं। वतन अजीज़ में 74 साल से जारी बालादस्ती की जंग में जीत हमेशा बैरूनी दुश्मनों की हुई है। आपस में लड़ने वाले हमेशा नुकसान में रहे हैं। सियासी जमातों और इदारों का अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। सियासतदानों को इदारों के वक़ार का ख्याल रखना होगा और इदारों को भी सियासतदानों की इज्जत का पास रखना होगा, तभी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और तरक्की मुमकिन है। बुलेटिन में शामिल मजीद खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।